नमस्कार दोस्तों, मैं दहेज हूँ। जी हाँ, चौंकिए मत, मुझे आपकी तरह भगवान ने नहीं बनाया, मुझे बनाया आप में से ही किसी इंसान ने। और अच्छा ही किया जो मुझे बना दिया, वरना ना जाने इस देश में लड़कियों की संख्या कितनी ही बढ़ जाती, और ना जाने जो लड़कियां गोद में ही मार दी जाती हैं वो इस देश के लिए क्या क्या कर जाती। ना बाजारों में लड़कों की यूँ बोली लगती, और अगर मैं ना होता तो आपको अपने बेटों का रेट कैसे पता लगता, और सरकारी नौकरी का फायदा ही क्या। मेरी एक खासियत है कि मेरी कोई सीमा नहीं है, मेरी कोई कीमत नहीं है। मैं कहीं 1 लाख होता हूँ, कहीं 10 लाख होता हूँ तो 1 करोड़। और मेरी वैल्यू का अंदाज़ा आप सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार ने मुझ पर 7 साल का जुर्माना रखा है, 7 साल की सज़ा रखी है। फिर भी जब रिश्तेदार दूर दूर से आते हैं, या फिर 50 कोस दूर कहीं लड़की पैदा होती है, तो रिश्तेदार कहते हैं पाल लो पाल लो, दहेज के लिए इसे पाल लो। अब आपको सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं इस समाज का अभिन्न अंग हूँ। आप मुझे हटाने की कोशिश ना करिएगा, क्योंकि शायद आप मुझे हटाने की कोशिश में खुद ही समाज से हट जाएंगे। क्योंकि इस समाज में जो दहेज लेता है उसे लोग लालची कहते हैं, और जो नहीं लेता उसे बेवकूफ। हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य यादव एंड यू आर वॉचिंग द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द सोशल कॉज। आज की इस वीडियो में हमने बात की दहेज की, जहां पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लगा हुआ है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे लगते हैं इस देश में, वहां पर क्या हाल है, क्या स्थिति है, क्या कानून की स्थिति है, क्या दहेज लेने की प्रथा बंद हो गई है, क्या दहेज देने की प्रथा बंद हो गई है। मैं ये मानता हूँ दहेज देने की प्रथा कभी बंद नहीं हो सकती, तो कृपया आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि दहेज लेने की प्रथा ही बंद कर दीजिए। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो प्रथा चलाई गई थी वो अपनी इच्छा से चलाई गई थी, जहाँ पर लोग अपनी स्वेच्छा से स्त्रीधन देते थे, लड़कियों को उपहार स्वरूप कुछ देते थे। लेकिन आज ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिशन बनकर रह गया है कि हमने इतने दिए, उनने इतने दिए, इनने इतने दिए, तो कितना दिया। और साथ ही साथ इसकी मांग और डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, मार्केट में इसके रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हम कानून का पालन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम समाज में सुधार लाने की बजाय विस्तार कर रहे हैं ऐसी कुरीतियों का। इन सवालों के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, और अगली वीडियो में किसी ऐसे ही सोशल कॉज के साथ आपको मिलूँगा। आप अपने सजेशंस मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है, और आप क्या सोचते हैं कि दहेज क्या कर रहा है इस समाज में, और दहेज को कैसे हटाया जा सकता है, दहेज से कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में आपकी टिप्पणियां जरूर चाहूंगा। आपका अपना आदित्य यादव, भारत माता की जय। जय हिंद।